मौसम विभाग ताजा अपडेट। देश के इन क्षेत्रों में मौसम में हुआ बड़ा बदलाव, आगे ऐसा रहेगा मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने बड़े मौसम परिवर्तन को दर्शाया है, तो आगे कैसा रहने वाला है आपके क्षेत्र में व देश में मौसम, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों पहाड़ों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में अब दिखना शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ ही मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खासतौर पर सुबह और शाम के ठंड का असर दिख रहा है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने का पूरे अनुमान है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री होने से कोहरा रहा और दृश्यता 150 मीटर तक घट गई। सूर्य निकलने के बाद कोहरा स्मॉग में बदल गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी स्मॉग का असर रहा। हवा में नमी का स्तर 38 से 90% तक रहा। उत्तराखंड में फिर चमकेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मौसम अभी जो है बदलने वाला है और भले ही शुष्क है, लेकिन गुरुवार से फिर तापमान गिर सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक बर्फबारी का अनुमान है। शुक्रवार को मौसम का रुख ऐसा ही बना रहेगा। इन दिनों बद्रीनाथ में रोज 1.5 से 2 हजार श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बद्रीनाथ नगर पंचायत ने वहाँ अलावा का बंदोबस्त कर दिया है। हिमाचल के मंडी और धर्मशाला में ज़्यादा ठंड। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मंडी और धर्मशाला में ठंडी हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इन दोनों स्थानों पर शिमला से ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। मंगलवार को मंडी का न्यूनतम और अधिकतम तापमान शिमला से कम रहा। मंगलवार बादल छाए रहने के बावजूद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। केलंग में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू श्रीनगर हाईवे खुला, फंसे वाहन निकाले गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए मंगलवार को ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। इससे कश्मीर का देश के सड़क संपर्क बहाल हो गया है। इस बीच श्रीनगर में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने से ठंड और चमक गई है। कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 16 से 18 नवंबर के बीच बारिश और बर्फबारी की आशंकाएं जताई है। बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। वहीं शुक्रवार से सोमवार तक हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार है, जिससे ठंड बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों कुल मिलकर संपूर्ण देश में दस्तक देने वाली है ठंड, तो तैयार हो जाइए और गर्म कपड़े बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट वीडियो को रिसीक अपने व्हाट्सएप फेसबुक शेयर करें, ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके सावधान एवं सतर्क। साथ ही आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है, ठंड पड़ रही है या हल्की बारिश हो रही है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।